गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शाई स्टाइल्स। सो आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि सायमा आप अपना हाउस टूर हमारे साथ शेयर करिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा हाउस टूर, मतलब मेरा घर कैसा है। तो कुछ फैंसी नहीं है, बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा है, छोटा सा, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि गाइज अगर आपको नहीं भी पसंद आता है मेरा घर तो प्लीज बैड कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि इट विल हर्ट मी अलॉट। या सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आ जाइए मेरे साथ। तो गाइज जो मेरा घर है वो 3 फ्लोर का है, तो यहाँ से स्टेयर्स हैं, यू गाइज कैन सी ये स्टेयर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे है हमारा एक्चुअली जो हमारा फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे रेंटर्स हैं, सेकंड फ्लोर पे रेंटर्स हैं, जो थर्ड फ्लोर है उस पर भी रेंटर्स हैं, मतलब अभी वो खाली है बट बेसिकली वो रेंट के लिए है। और ये जो फ्लोर है वो बस वो फ्लोर पे हम रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली रहती है। सो ये है हमारा फ्लोर और यहाँ से होती है स्टार्टिंग। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट दिखा देती हूँ जहाँ से आपको बहुत रोशनी आ रही है। तो ये पूरी एक गलियारा जिसे आप कहते हो गैलरी, उस तरीके की कुछ है। और उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये वाला जो पार्ट है बेसिकली यहाँ पे हमारे पानी के टैंक्स और यू नो बाल्टीज जो बकेट्स होते हैं वो है, बाथरूम एंड टॉयलेट है, और उसके अलावा हमारी वॉशिंग मशीन यहाँ रखी हुई है, यू गाइस कैन सी, और चप्पल वगैरह। तो ये वाला एरिया मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैसी होता है इसकी वजह से। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिकली रूम टूर। तो ये वाला जो रूम आप देख रहे हो, ये रूम जिसमें कर्टन लगे हैं, ये है मेरी भाभी और भैया का रूम एंड हमारा का रूम। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकती बट हाँ थोड़ा सा आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये उनका प्राइवेट रूम है, तो आई कैन शेयर दिस। सो या गाइस, तो ये रूम है सबसे पहला रूम, ये पहला रूम है। ओके तो अब देख लेते हैं बाकी घर कैसा है। सो गाइस ये हमारा सबसे पहला रूम कम यू नो ड्राइंग रूम, तो ये एक बैठक जैसा है। और यहाँ पे बेड भी था बट अभी नहीं है फिलहाल, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्रेंस, जब एंटर होते हैं तो हमने सेपरेट करने के लिए गेट लगवाया हुआ है यहाँ पे, तो ये यू नो पार्ट कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अलमारी जिसमें मेरे कबाड़ होते हैं, कबाड़ इन द सेंस कि जो कपड़े मैं डेली पहनती हूँ वो कपड़े इसके अंदर होते हैं, और जो मेरे पीआर आते हैं वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये पहले ड्रॉर कम अलमारी है। उसके बाद है यहाँ पे एक और ड्रॉर जिसमें हमें जो कि यू नो सॉसेस वगैरह और जो भी मेरे चिया सीड्स और जितनी भी मेरे खाने की चीज़ें होती है लाइक ग्रीन कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ यहाँ पर। और राइट, और इसके अलावा मायरा की मम्मी की मेडिसिन और सब कुछ यहाँ पे होता है। और ये भी पहला ड्रॉर है, इसके अंदर हमारी बुक्स और सारी चीज़ें रखी हैं। देन है हमारी फ्रिज यहाँ पे रखी, क्योंकि किचन बिल्कुल साथ में बढ़ता है, तो ये हमारी फ्रिज है, उसके ऊपर हमारे खाने पीने का सामान है। उसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा है सोफ़ा टेबल, तो ये थोड़ा काफ़ी बड़ा सा लगता है, मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और इधर भी हमारे जो छोटे सोफे हैं वो जो मुझे सामान आता है वो मैं वहाँ पे रख देती हूँ, शीन के पैकेट्स वगैरह जो भी आते हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, मेरा लैपटॉप बैग है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो बेसिकली ये भाभी के रूम की तरफ जाता है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया है इस वजह से। और यहाँ पे आप जो गद्दा देख रहे हो नीचे की तरफ ऐसे, जी हाँ ये गद्दा एक्चुअली हमने यू नो अपना भी बेड रीसेल किया है, तो उसका गद्दा हमने जमीन पर डाल दिया। पहले यहाँ पे बेड था, अभी 2 वीक ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम अपना जो पुराना सामान है वो थोड़ा सा सेल आउट भी कर रहे हैं। तो दिस इज माई ड्राइंग रूम गाइज, और वहाँ पे है आई थिंक कुर्सी एंड देन वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स एंड बस ऐसा ही कुछ है, सिंपल सा, बस ज्यादा बेसिक नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये है हमारी किचन, दिस इज माई छोटी सी किचन, ये माइक्रोवेव और इसके अलावा कुछ नहीं है किचन में ऐसा दिखाने लायक, ठीक है तो मैं किचन नहीं दिखा। सो अब आते हैं आगे की तरफ। तो ये जो रूम देख रहे हो आप, कर्टन लगा हुआ है, ये है मेरी मम्मी का रूम। कम सो ये मेरी मम्मी का रूम है,
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन दिख रहा है? अमायरा, अमायरा, यहाँ अमायरा लेटी हुई है। अमायरा से हाय, हाय कह दो, एक बार हंस के दिखा दो, चलो एक बार हंस के दिखा दो, इसे कैमरा देखते ही हंस दी, हंस के दिखा दिया। यहाँ पे अमायरा लेटी हुई है, अभी वो नहा के आई है तो इसलिए वो दादी के रूम में है। सो गाइज, ये जो रूम है ये मेरी मम्मी पापा का रूम है, ठीक है। तो आप ये जो यहाँ पे कर्टन देख रहे हो, कर्टन नहीं है बेसिकली, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं यहाँ पे शूट करती हूँ बैठ के, तो यहाँ पे मैं चेंज करती रहती हूँ। ये है मम्मी का बेड, ठीक है, ये मम्मी का बेड है। और ये जो सामान आप देख रहे हो यहाँ पे, वो पर्पल से आया है और मुझे भी शूट करना है तो इसलिए मैंने बेड पे रखा है, मैं शूट यहीं करती हूँ। उसके बाद ये है मम्मी का ड्रेसिंग, इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये मम्मी का ड्रेसिंग टेबल है, पहले ये मेरा ड्रेसिंग हुआ करता था बट अब मम्मी का है। तो यहाँ पे मम्मी की जो भी यूज के सामान है, इवन कुछ मेरे भी यूज के सामान यहीं पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे कुछ बैंड्स हैं जो मैंने बड़ी बेतरतीब फैलाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे है मेरी रिंग लाइट, क्योंकि मैं शूट यहाँ करती हूँ तो मेरी सारी लाइट्स, एक्सटेंशंस, जो भी चीजें हैं वो मम्मी के रूम में मैं फैला के रखती हूँ। ये है मम्मी की अलमीरा, ठीक है। ये हमारा एक ड्रॉअर है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे टीवी है हमारी, मम्मी के रूम में टीवी है, बहुत कम टीवी देखते हैं सब लोग, क्योंकि सबके पास फोन है तो सब फोन में हॉटस्टार या वूट देखते हैं, बस हमारे पास यहीं पे टीवी है। बट जब हम नया रूम, मतलब नया घर जो ले रहे हैं, वहां पे हम ट्राई करेंगे सबके रूम में वो, बट फायदा फिर भी कुछ नहीं है, वेस्ट ही होना है। और ये जो अलमारी है ये काफी पुरानी है, हमने नहीं हटाई, आई थिंक काफी टाइम हो गया, 2-5 साल 6 साल मुझे याद भी नहीं है। तो ये इसमें मेरे एक साइड में ये वाला जो सेक्शन है वो है मेरे भाई के कपड़ों का, ये वाला जो सेक्शन है वो है मेरे पापा के कपड़ों का, वो वाली अलमारी खाली मम्मी की है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो है सारी लाइट्स, ओके। तो इसके अलावा ये पूरा रूम इस तरीके से है कुछ, ये मेरी डॉल है जो मैं लेके आई थी, एंड हमारी घड़ी। हमने इस रूम में ऐसा कुछ खास डेकोरेट नहीं करा हुआ है, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ खास डेकोरेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रूम है। और ये मम्मी है, से हाय मम्मी। तो मम्मी ने ही मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था गाइस। तो ये दो रूम प्लस एक ड्राइंग रूम का हमारा फ्लोर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि साइमा आपका रूम कहाँ पे है, राइट? तो मैं आपको बता दूं, जो पहले भाभी का रूम मैंने आपको दिखाया था वो रूम मेरा हुआ करता था आज से 1 साल पहले, बट अब भाभी का रूम होता है। मेरा रूम जो मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखाई थी स्टार्टिंग में उस पे जाकर है। तो वो रूम टूर के लिए अलग से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं उसका अलग ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें काफी काम कराया है। वो रूम इस फ्लोर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको लास्ट में शेयर करूंगी कभी और। तो ये था मेरा घर जो कि मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से बनाया है। हम लोग इसको जल्दी ही शिफ्ट कर रहे हैं, बट मेरे पापा का बिल्कुल दिल नहीं है, वो कहते हैं मैंने बड़े प्यार से बनाया है तो, पर हमें शिफ्ट करना है क्योंकि अब जगह छोटी लगती है इसकी वजह से। जो भी ऑनेस्ट है वो मैं आपके लिए साथ बता रही हूँ। तो हम जब नए अपने जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, नए फ्लैट पे, तो मैं उसका भी जरूर शेयर करूंगी। अभी हमें 2 महीने के आसपास लग जाएगा शिफ्ट होने में। तो रिक्वेस्ट की वजह से मैं अपना घर आप लोग के साथ शेयर करी थी। ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा घर जिसमें हमारी पूरी फैमिली रहती है। और अमायरा, कुछ कहना है बेटू को? बेटू को कुछ नहीं कहना। अमायरा को नींद नहीं आ रही है, नहा धो के आई है, अमायरा नींद में है। नींद में हो, स्माइल देखो मेरे बेटू की। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा आज का वीडियो। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये हाउस टूर कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो गिव अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या